दौरी हत्याकांड मामले में हरदोई पहुंचे आईजी पुलिस को कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। बोले, अभी तक प्रधानी की रंजिश में हत्या की बात आई सामने। उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई के मंजिला के दौरी हत्याकांड का जायजा लेने आईजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घटना के चश्मदीद से बात की और मारने वालों के बारे में पूछा। इस पर गंभीर घायल चश्मदीद ने गांव के 3 लोगों को पहचानने की बात कही। इसमें आईजी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल मृतक के परिजन बुलडोजर से मकान गिराए जाने और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताते चले कि टोडरपुर ब्लॉक मुख्यालय से लौटते समय प्रधान के भतीजे अधिवक्ता के साथ मारपीट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसकी पहचान पारा गांव के प्रधान नंदलाल के भतीजे रमाकांत कुशवाहा और अधिवक्ता अमित शुक्ला के रूप में हुई थी, जबकि एक गांव निवासी अन्य साथी संतोष कुशवाहा गंभीर घायल हुआ था, जिसका गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस दोहरे हत्याकांड की वारदात को मंजिला थाना क्षेत्र के चटिया पुलिस के आगे गोटिया गांव के पास अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े दिल दहलाने वाली वारदात से पारा गांव समेत इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद एसपी राजेश द्विवेदी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसमें एसपी ने परिजनों को ढांढस बांधते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। दोहरे हत्याकांड की खबर सुनते आईजी लखनऊ रेंज तरुण गाबा हरदोई के मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घायल चश्मी संतोष कुशवाहा से घटना के बारे में जानकारी ली, साथ ही मृतक के परिजनों को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस दौरान मौजूद परिजनों व ग्रामीणों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने और कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक उनका घर नहीं गिराया जाएगा, तब तक वह मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आईजी लखनऊ रेंज तरुण बाबा ने मामले में पुलिस को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानी की रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मामले में तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसी के आधार पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हरदोई से जिला ब्यूरो चीफ मोहम्मद सलमान की खास रिपोर्ट। सर, आज जो घटना घटी है और कैसे और क्या हुआ? जो अब तक जानकारी मिली है, ग्राम पारा है थाना मजिला में, इसके 3 युवक मोटरसाइकिल से आ रहे थे, इसमें एक अमित शुक्ला, एक रमाकांत कुशवाहा, एक और संतोष थे, और इनको इसी गांव के बड़े सिंह है, उनके परिवार के लोग बोलेरो गाड़ी से उन्हें टक्कर मारा है, जिससे वो गिर पड़े। और कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि उनको उसके बाद भी हमला किया गया है और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया इलाज के लिए, जहां पर कि अमित और ये रमाकांत की मृत्यु हो गई है। संतोष का इलाज चल रहा है, अभी उसकी हालत ठीक है। परिजनों द्वारा अभी तहरीर दी जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, तहरीर के आधार पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी पुलिस द्वारा की जाएगी। क्या सर, कुछ फायरिंग वगैरह कुछ ऐसी घटना सामने आ रही है? अभी तक ऐसे तो संज्ञान नहीं आया है, लेकिन जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई।